Hello students, welcome to English Academy. In today's session, we'll do class 8 English, Honeydew Book Chapter 1, The Best Christmas Present in the World. This is part 1 of this chapter. Actually, the story is divided into 3 parts. Yahan par hum part 1 cover karenge. This is a very interesting and touching story of how two people get separated due to the war. Jab husband war pe chala jata hai. उसके बाद उसकी लिखी हुई एक चिट्ठी ही एक मेमोरी रह जाती है उसकी वाइफ के पास, और जब उसे वो चिट्ठी बहुत देर बाद मिलती है, उसे पढ़ के एक बार फिर से उसे बहुत खुशी का एहसास होता है. तो ये जो हमारी स्टोरी है, दिस इज सेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच हैपेंड इन द ईयर 1914 to 1918. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. The man said it was early 19th century and oak. Now, what is a junk shop? Junk shop is a shop जहाँ पर ऐसे पुराना टूटा फूटा फर्नीचर और सामान मिलता है. Just like you can see in this image, जैसे हम कहते हैं कबाड़ की शॉप, जहाँ पर कबाड़ यानी के यूज्ड चीजें मिलती हैं. तो हमारे राइटर कहते हैं कि ब्रिटपोर्ट एक जगह है, यहाँ यूके के मैप में देख सकते हैं जहाँ पे पिन लगा है, दिस इज ब्रिटपोर्ट. वो ब्रिटपोर्ट में रहते थे, वहां पर वो एक जंक शॉप में गए और उन्हें वहां जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिला. और जो सेलर था उसने कहा कि ये रोल टॉप डेस्क अर्ली 19th सेंचुरी का है और ओक यानी कि एक तरह की जो वुड है, ओक ट्री से जो डिराइव होती है, उस वुड का बना हुआ है. नाउ व्हाट इज अ रोल टॉप डेस्क, इसकी इमेज मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी. हम आगे चलते हैं. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. सो द राइटर सेज कि वो हमेशा से ओक का बना हुआ एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहती थी, लेकिन उन्हें वो बहुत एक्सपेंसिव लगते थे. ही कुड नॉट अफोर्ड इट. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजिली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. तो ये जो रोल टॉप डेस्क था, इसकी हालत बहुत बुरी थी. इसका जो रोल टॉप था यानी कि जो ऊपर का कवर था, वो बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था और उसकी एक टांग भी क्लमजिली मेंडेड थी. मेंडेड मींस रिपेयर्ड. तो उसकी एक टांग रिपेयर की गई थी और क्लमजी मींस नॉट इन अ गुड वे, बहुत ही अजीब और खराब तरीके से रिपेयर की गई थी. स्कॉच मार्क्स आर बर्न मार्क्स, जले होने के निशान, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं. तो उस डेस्क की एक साइड पर ऐसे जले के निशान थे. अब रोल टॉप डेस्क क्या होता है? ये तो एक डेस्क है, जैसे हम स्टडी टेबल भी कहते हैं. इसके ऊपर की जो टॉप है, ये देखिए, ये रोल हो जाती है. यहाँ पे एक शटर लगा हुआ है, इसे खींच के आप ऐसे नीचे पुल कर सकते हैं, इसीलिए इसे रोल टॉप डेस्क कहते हैं. इसकी जो टॉप है, इसे रोल होकर बंद हो जाती है. आगे हमारी स्टोरी में राइटर कहते हैं, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. Going for means it was being sold for. It was available for very little money. Restore it means repair it. तो राइटर ने सोचा कि वो उसे खरीद लेते हैं और उसे रिपेयर कर लेंगे. वो कहते हैं कि ये एक रिस्क था, एक चैलेंज की तरह था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इतने सस्ते में उन्हें कभी भी रोल टॉप डेस्क नहीं मिल सकता था. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. तो राइटर ने पेमेंट करके वो डेस्क खरीद लिया, उसे अपने गैराज में रख लिया क्योंकि अभी उन्होंने उसे रिपेयर करना था. और फिर क्रिसमस ईव पर यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले उन्होंने उस डेस्क को रिपेयर करना शुरू किया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Veneer क्या होता है? जैसा आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, wooden surface के ऊपर एक fancy layer लगाई जाती है. मे बी प्लास्टिक की लेयर होती है या मे बी एक फैंसी डिजाइन होता है वुड के ऊपर बना हुआ. It is a thin decorative covering. तो चीप फर्नीचर, जो चीप वुड का फर्नीचर बना होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उसको सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर विनेर की एक लेयर लगाई जाती है. तो कहते हैं कि इस डेस्क के ऊपर जो विनेर लगा हुआ था, वो उखड़ चुका था, हर जगह जगह से वो उखड़ गया था
और ऐसे लग रहा था शायद ये डेस्क पर पानी पड़ गया हो जिसकी वजह से डैमेज होकर विनियर उतर गया है। तो हमारे राइटर ने क्या किया, ये जो रोल टॉप डेस्क था उसका जो रोल टॉप था वो जगह जगह से टूटा हुआ था, तो उन्होंने वो उतार दिया और सारे ड्रॉर्स भी बाहर निकाल लिए और उन्होंने देखा कि ऊपर जो विनियर लगा हुआ है वो भी जगह जगह से निकल रहा है जैसे कि वाटर से डैमेज हो गया हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। टेकन देयर टोल मीन्स दे हैड डैमेज्ड। तो ये जो डेस्क है इस पर आग से डैमेज होने के निशान भी थे, स्कॉर्च मार्क्स थे, और पानी से डैमेज होने के निशान भी थे, विनियर उखड़ा हुआ था। तो राइटर कहते हैं कि पानी और आग दोनों से ही इस डेस्क को डैमेज हुआ हुआ था और जो लास्ट ड्रॉर था इस डेस्क का इट वॉज स्टक फास्ट, यानी कि वो फंस गया था, वो खुल नहीं रहा था। इट वॉज शट टाइट, वो कस के बंद हुआ हुआ था, बहुत जोर लगाने पर भी वो खुल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ईज इट आउट मीन्स टू ओपन इट, आराम से उसको झटका मार के धीरे धीरे खींचने की कोशिश बहुत की राइटर ने, लेकिन उनसे वो ड्रॉर नहीं खुला। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स मीन्स वायलेंट फोर्स, बहुत ही जोर से उन्होंने खींचा उस ड्रॉर को उसे खोलने के लिए। I stuck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. Reveal means to show something, जो चीज पहले छुपी हुई थी अब वो दिख जाए। Shallow means not very deep, underneath means below. Struck here means to hit and fist क्या होता है, जिसे हम मुक्का बोलते हैं। तो राइटर ने क्या किया, उन्होंने एक मुक्का बनाया और उसके साथ जोर से ड्रॉर को मुक्का मारा और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया ड्रॉर उड़ता हुआ खुल गया और उन्हें ड्रॉर के निचले हिस्से में एक सीक्रेट ड्रॉर भी देखने को मिला। यहाँ देखिए इमेज में आप देख सकते हैं सीक्रेट ड्रॉर किस तरह का होता है, आपकी जो ड्रॉर की बेस है उसके नीचे ही एक और भी एरिया है, सीक्रेट एरिया, जहां पर आपको ऐसी चीजें रख सकते हैं जो आप नहीं चाहते कि दूसरे को दिखें, सीक्रेट एरिया। देयर वॉज समथिंग इन देयर, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो ये जो सीक्रेट ड्रॉर था उसमें कुछ था, क्या था, एक काले रंग का टिन का डिब्बा था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी मीन्स ट्रेम्बलिंग, कांपना। सेलो टेप हम सबको पता है, सेलो टेप जो हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं, तो इस टिन के डब्बे के ऊपर लाइंड पेपर का एक टुकड़ा चिपका हुआ था और उस पर शेकी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915 टू बी बरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। तो उस नोट पर क्या लिखा था कि ये जिम की आखिरी लेटर है जो कि उसने 25 जनवरी 1915 को रिसीव की है और वो कहती है कि ये मेरे साथ ही बरी कर दीजिए चाहिए जब टाइम आएगा, मींस जब मैं मर जाऊंगी मुझे बरी किया जाएगा तो इस लेटर को भी मेरे साथ बरी कर दिया जाए। तो प्रोबेबली ये जो लेटर है ये आखिरी निशानी है उसके हस्बैंड की और जब उसे ये लेटर मिली तो इसीलिए वो कहती है कि इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Scruples is the feeling that makes you hesitate to do something wrong. जब आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और scruples एक ऐसी feeling है जो आपको hesitate करवाती है, means reluctant feel होता है कि आप कुछ गलत ना करें, तो कहते हैं curiosity, जिज्ञासा। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ, मुझे ट्रे बॉक्स खोलकर चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा जिज्ञासा थी कि उनकी ये जो फीलिंग थी कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्यूरियोसिटी उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गई और फाइनली उन्होंने ये डिब्बा खोल दिया। और वो कहते हैं कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट।
तो बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। ये एड्रेस था उनका जिनके पास ये चिट्ठी गई थी, मिसेस जे मैकफर्सन, 12 कूपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। तो चिट्ठी के ऊपर क्या डेट लिखा हुआ था? December 26, 1914। और ये चिट्ठी पेंसिल से लिखी गई थी। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। चिट्ठी में और डिटेल्स क्या लिखी हुई थी वो मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू।